कितने साल से तुम इस औरत के पेट में थे? दो साल से। करके किसने खिलाया था, पूरी ईमानदारी से बताना। अबू लैस कौन है? नंदोई। इस औरत का नंदोई है, कौन है इस औरत का, वो कौन है? नंदोई है। क्या दुश्मनी थी इस औरत से? किस चीज में करके खिलाया था? रसगुल्ला में। कहाँ रहता है वो? बहादुरगंज। वो निकला है जो वो दिखा दो, रसगुल्ला में निकला। आप कितने साल से परेशान थे? छह महीने से। अभी दो साल से जो ये है, कौन है ये आपका? बंदोई है। ये बोल रहा है दो साल पहले हमने करके छेना में खिलाया था, और छेना आपके घर पे निकला। कब निकला? कई खुराक जड़ी बूटी खाने के बाद निकला। तीसरी खुराक में बाहर निकला, रसगुल्ला था। कैसे पता आपको? पूरा निकल गया। तो रसगुल्ला ही था ये, आपको कैसे पता? न उसमें पानी था, न कोई दाना आया, न कोई जड़ी बूटी भी नहीं थी, एकदम साफ सुथरा निकला। आप सच बोल रहे हैं या हमारे किराए के टट्टू हैं? बहुत से कमेंट करते हैं कि ये बाबा जी के किराए के आदमी हैं। कहाँ से आप आए हो? कोपागंज मऊ से। तो ये आपकी कौन है? मेरी बीवी है। कितने साल, मतलब कितने दिन से इसको परेशानी हो रही थी? 6 महीने। क्या परेशानी हो रही थी? पहले परेशानी ये हुई कि इसके ऊपर जो सवार होकर गलत गलत काम कराता था, पाइप काट देता था, ताना बाना था हमारा। उसके बाद किसी को हम दिखाया तो नॉर्मल हो गया। अब इस टाइम जो था एक हफ्ता पहले बिल्कुल सवार हो गया, बोला कि मैं जिन्नात तो नहीं था। वीडियो भी हमने बनाया था, जिन्नात नहीं था। जिन्नात बोला। बहरहाल तो परेशानी दूर हुई जब यहाँ पहले दिन कब आए थे यार? पिछले हफ्ते इतवार के दिन आए थे। तो कुछ फायदा हुआ आपको? हाँ। क्या फायदा हुआ आपको? अब नहीं है। आज अंदर 5 भूत हैं, वो मरवाने आ पाए। चलो 5 को मारते हैं, पट्टी खोल दो। यहाँ का पता कैसे मिला आपको? वीडियो के जरिए। वीडियो देखा आपने जी। तो पहले दिन जब बोला कि ये निकलेगा तो आपको लगा कि निकलेगा जड़ी बूटी? हाँ, आपने लिया कई खुराक जड़ी बूटी आपको इशू हुई थी? 5। अब तीसरे में निकल गया। तीसरे में अब 2 बचा तो वो भी खाए थे ना पूरा? भाई थोड़ा बहुत भी कसर नहीं रहना चाहिए पूरी। जितनी पंडित यहाँ बोलता है 5 खुराक 4 खुराक 3 खुराक 6 खुराक, जितना वो खा ही गया ना, इन्हें कि हम 2 छोड़ के घर पे यहाँ आए हैं तो वापस हम भेज देंगे दोबारा, खा के तभी आओगे पूरा। वीडियो हमने इसके पहले भी आपका बनाया था। तो बंदोई को बेइज्जती हुआ उसका कुछ कि नहीं? गलत कोई भी करने वाले को बेइज्जत करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हुआ। सखी नगर में तो शक्तियाग लगा चली मुल्क।